असल वरह लिया वरक़ सुबह बखैर सब को कैसी तमाम ने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी पीछे मैस को इग्नोर करें जी सुबह सुबह सबके घरों के यही हाल होते हैं अभी मैं जो है ना नाश्ता करने लगी थी और आज के दिन का मैंने सोचा सुबह से रात तक जो भी एक्टिविटी होगी उसको मैं ब्लॉग इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी होपफुली आपको अच्छा लगेगा और सेकेंडली जो है ना वो बस जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें जितना हो सके शेयर करें थैंक यू सो मच आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं मैं आपको अपना नाश्ता दिखाती हूँ हेयर इज माई ब्रेकफास्ट Alhamdulillah और इतनी मक्खी है और मुझे ना मैं अपनी सिस्टर को पंखा लगाने नहीं दे रही हूँ मुझे ना बहुत ठंड लगती है तो यहाँ पे मेरा एक पड़ा हुआ है ये हानों का है ये मेरा पराठा है मेरी चाय है जिसमें लास्ट में, लास में नाश्ता शुरू करती हूँ और ब्लॉग भी आज ना मैंने आप लोग के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है मेरी जो कज़न है मामों की बेटी माशाला माशा माशा अल्लाह पाक उसको नसीब करे बहुत खूबसूरत सा जो है ना उसका बेटा हुआ और मेरी तरफ से बहुत ज्यादा उनको और जो माँ होती है ना मैं कहती हूँ माँ जितनी तकलीफ एक बेबी बर्थ में गुजारती है ना उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता कल उसका बेबी हुआ है रात पे और मुझे इतना अजीब लग रहा है मुझे मतलब मेरे ना पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी मेरे बाल खड़े हो रहे थे क्योंकि बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ ना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने एक औरत के लिए रखी हुई है कि वो माँ बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह लपाक ने हमें इसने एक नेमत से नवाज़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह तो आप सब लोगों ने दुआ करनी मेरी कज़न के लिए बहुत ज़्यादा लपाक उसको उसकी औलाद नसीब करे माशाल्लाह उसके ऑलरेडी दो बेटे एक बेटी थी और अभी उसका बेटा हुआ है तो यानी ये चार बहन भाई हैं माशाल्लाह से और मैंने कहा आप लोग के साथ तो ये ख़ुशी लाजमी शेयर करनी क्योंकि मैं आप लोग के साथ अपनी हर छोटी बड़ी सारी खुशियाँ सारे गम शेयर करती हूँ और अभी ना नाश्ता करने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे स्किन केयर करनी थी खैर मैं इतना स्किन केयर पर फोकस नहीं करती जो सीधी सी बात है बहुत कम करती हूँ लेकिन मुझसे इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि आजकल ना स्किन बहुत अजीब सी हो रखी है और फ़ाका का मैंने यहाँ पे एक सूट आयरन किया वो ना उस्मान को फ़िक्र नहीं होती लेकिन फ़ायक़ा को आपने लाजमी आयरन किया हुआ सूट ही देने वो स्कूल से आएगी तो फिर चेंज करेगी क्योंकि मैंने अभी निकलना है कल ना मैं अपने हस्बैंड के लिए दो सूट लाई थी ठीक है ख़ास से गुलेमत से ठीक है और ये दोनों जो है ना थोड़ा सा साइज में इशू आ रहा है एक ये वाला कलर है इसका और एक जो है ना ये है और ये विंटर्स का स्टफ़ है पता नहीं आपको साफ दिख भी रहा है या नहीं यहाँ पे देखेगा ठीक है यहाँ पे दिखाती हूँ ये देखें एक ये कलर है और एक जो है ना इसके साथ ये वाला है ये दोनों सूट मुझे अब जो है ना एक्सचेंज करने रिटर्न करने लेट्स थी क्या होता है लेकिन मैं जो है ना इसको लेके जा रही हूँ दोबारा से आप ही ने एक सूट लिया था जो कि आप ही का जो है ना वो साइज़ का इशू आ रहा है आप ही की लंबाई जो है ना कम पड़ रही है ये भी बहुत प्यारा सूट है तो ये भी मैं साथ ही लेके जा रही हूँ इसका भी करना है मैंने और मैं जा रही हूँ जनाब अभी बाहर देखती हूँ आप लोग को भी साथ लेके चलूंगी जो भी चीज होगी आपको साथ में बताऊंगी ठीक है अब आया ये रहा मेरा बेग ये रहा सो मैं भी निकलती हूँ मैंने सोचा आपको अपडेट दे दो अच्छा मैं आ गई हूँ मॉल और यहाँ पे मैंने सबसे पहले गई थी मैं आप ही के जो है ना वो दोनों सूट एक्सचेंज कर लिए फाइनली शुक्र है कि लेंथ में जो है ना मुझे मिल गए थे थोड़ा सा मैंने और पेमेंट ऐड किया तो मुझे जो है ना आप ही के दोनों सूट मिल गए तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप ही बहुत परेशान हो रही थी ना कि उसके जो है ना वो ड्रेस का साइज़ ठीक नहीं है और इतने एक्सपेंसिव भी है तो आपको पता है कभी कभी ना इंसान वैसी बेदहानी में ऐसी चीज़ ख़रीद लेता है जो बाद में उसको पछताना पड़ता है उसके बाद में आई हूँ गुले पे क्योंकि गुले से मैं अपने हस्बैंड के दो सूट लेके गई थी तो स्टिच में लेके गई थी ऑब्वियसली लेकिन साइज़ जो है ना वो उनको पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने उनको जो है ना एक्सचेंज करवा के एक साइज़ छोटा अपने बहनोई के लिए दो सूट ले लिए थे क्योंकि मेरे बहनोई जो है ना बहुत थिंस हैं पतले से हैं स्लिम्स हैं तो उनके लिए तो हर जगह पे साइज़ अवेलेबल है और तो अब जो बंदा थोड़ा हेल्दी होता है ना तो स्पेशली रेडीमेड में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जो भी हेल्दी लोग होंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो बहुत परेशानी होती है तो मैं जो है ना शुक्र है फाइनली मैंने एक्सचेंज कर लिया उसके बाद जब तक वो बिलिंग वगैरह सेट कर रहे थे तो मैं यहाँ पे आपको सारा इनका ये बेडिंग वगैरह करिए दिखा रही हूँ अच्छा मुझे ब्रांड्स पे एक बात नहीं समझ आती डिस्काउंट के नाम पे ना वो चीज़ें बेच रहे होते हैं जो ज़रूरत की नहीं होती जैसे टॉवल्स हो गए पिल्लो कवर्स हो गए तो इन पर आधा आधा डिस्काउंट लगा हुआ था रोज़ रोज़ रो कौन टॉवल्स और ये लेता है बेड शीट्स वग़ैरह खैर यहाँ से मैं करूँगी अपनी बिलिंग और ये एरिया इतना ज़्यादा जो है ना वो कामिंग था तो मैंने थोड़ा सा आपको भी दिखा दिया पेमेंट में यहाँ पे इसमें ऐड करी क्योंकि मैंने दो सूट के साथ एक ना अपने छोटे देवर के लिए भी अन सूट ख़रीदे तो वही उसकी पेमेंट डाल के फिर मैं जो है ना आगे चलूँ सफ़ायर से जो है ना मैंने काफ़ी टाइम से अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी तो पहले मैं सफ़ायर पर आ गई थी क्योंकि आपको पता है सफ़ायर मेरा फेवरेट ब्रांड है एक मुझे खाड़ी बहुत पसंद है एक सफ़ायर तो यहाँ पे ये यह इनकी जो है ना सारी न्यू कलेक्शन थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इनका जो विंटर्स का न्यू और है वो बहुत मजे का आया हुआ है अगर आप लोगों ने देखना है ऑनलाइन भी देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ पे डिस्काउंट होता है अगर आप लोग जाएं और ख़रीदें तो आपको 1500 में टू पीस मिलेगा शर्ट एंड दुपट्टा तो बहुत बेस्ट जो है ना चीज़ है और साथ में जो है ना आप मैच ऑन करके कोई भी आप ट्राउज़र ले सकते हैं स्टिच में चाहे वो ले लें नहीं तो अनस्टिच में ले लें तो ये सफ़ायर की जो है ना वो अनस्टिच कलेक्शन थी जो मैं वन बाय वन आपको दिखा रही हूँ होपफुली आपको समझ आए कि न्यू अराइवल्स जो है ना इनके बहुत मज़े के पड़ें और जो डिस्काउंटेड पे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे अच्छा मोस्टली इस तरह होता है ना हम डिस्काउंट के लिए जाते हैं लेकिन हमें चीज़ पसंद न्यू अरावल्स में से आ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ न्यू होती है हर बंदा उसी को देखता है यहाँ पे बस मैं यही टूर आपको करवा रही थी सफ़ायर का मुझे पहले भी एक लड़की ने कहा था तो मैंने कहा हुई हूँ तो आप लोग को भी बता दूँ मैंने यहाँ से जो कुछ खरीदा है वो मैं घर जा के आपको दिखाऊँगी इन से और इनके जो कढ़ाई वाले सूट थे बहुत मज़े के थे जिस पर लाइट लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे कलर्स भी बहुत मज़े के थे सारे तो जो भी शॉपिंग मैंने सफ़ायर से की है वो तो मैं घर जा के आपको दिखाऊँगी उसके लिए आपको मेरे घर जाने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक के लिए आप यही इंजॉय करें सफायर से जो है ना कुछ शॉपिंग करनी थी कर ली अभी जा रही हूँ ऊपर खाडी पे और खाड़ी पे देखते हैं क्या मुझे ना खाड़ी से सिर्फ और सिर्फ ट्राउजर चाहिए एक ब्लैक कलर का बस वही लेना है बाकी चीज़ें सारी जो है ना वो हो गई खाड़ी पे आई हूँ तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट लगा है चीज़ों का और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी अगर आप लोग कराची में रहते हैं तो आप ज़रूर एट्रियम मॉल जाइएगा एट्रियम मॉल में जो है ना वो सारी जो शॉप्स हैं वो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं तो वहाँ पे आपको बहुत रीजनेबल चीज़ें मिल जाती हैं रीज़नेबल इन देंस ऐसा नहीं है कि आपको इतने लो प्राइस मिलेंगे प्राइजेस आर डबल क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगाई है तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है ये वाले जो सूट थे ना वो एटीन हंड्रेड के थे जो मैंने आपको लास्ट में लिखा है और ये इनकी सारी न्यू कलेक्शंस थी इसमें भी काफ़ी सारी वरायटी ऐसी है जिसपे थर्टी टू फोटी परसेंट ऑफ लगा हुआ है बट ठीक थे ओके ओके थे और यहाँ पे इतना क्राउड भी नहीं था खाड़ी पे अन स्टिच पर इतना क्राउड नहीं होता मैं जब भी आई हूँ स्टिच पे ज़्यादा होता थे खैर जी मैं अब घर चलूंगी और फिर आपसे घर पे मुलाकात होती सुबह बखैर जी सबको रात में जो है ना वो मैं खैर लेट तो नहीं आई थी कल मैं वक्त पे आ गई थी लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला कज़न गई हुई थी हॉस्पिटल तो अब मैंने अपना रूम वगैरह जो है ना सेट किया और मैंने यहाँ पे अपना सूट फैला के रखा है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि मैंने जो है ना सफैर से, से क्या खरीदा है तो ये मैं जरा चमक हटा दू ये चमक पत्नी कहाँ से आ गई है एक मिनट रोके ये जो शर्ट है ये मैंने ली है जी सफायर से, से और मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्टफ जो है ना वो विंटर्स का स्टफ है खद्दर स्टफ है इसका अच्छा लीलन के भी काफी वैरायटी थी लेकिन मुझे ब्लैक कलर में एक कुर्ती चाहिए थी जो कि मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी सिर्फ सफायर से मिली है प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ एलेवन नाइन्टी यहाँ पर मैंशन है ये स्टिच वैरायटी थी इनके पास जो रेड टेक में होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड पर लगे हुए थे साथ साथ मैंने अन एक ट्राउज़र भी ले लिया था जिसका कपड़ा काफ़ी मोटे मैं श्रिंक कर चुकी हूँ बस इसकी मैंने आज इन से स्टिचिंग करनी है स्टिच में ट्राउज़र बहुत महंगे मिल रहे थे 1800 1900 का और ये ट्राउज़र मुझे मिला है फाइव हंड्रेड का तो आप सोचें कौन ऐसे करता है कि भई अफोर्डेबल चीज़ मिले और फिर आप महंगी पे जाएं तो ये थी जी मेरी सफायर की शॉपिंग जो मैंने कहा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मुझे आप लोग बताइएगा कि कुर्ती का जो है ना वो डिज़ाइन किस तरह का है बाकी मैं इसके साथ जो है ना ये जो पिंक कलर किसकी बूटियाँ हैं ना सेम इस कलर में अपने लिए दुपट्टा ले लूँगी